डार्लिंग बहुत ही मज़ेदार गाना रहा. जब मैंने हम लोगों ने जब पहली बार वो गाना सुना था, जब मैंने सुना था, वी न्यू इंस्टेंटली दैट इट वुड कैच ऑन बिकॉज एक बहुत ही कैची नंबर है. एंड उस दौरान, डार्लिंग के दौरान, मेरी उम्र अबाउट 45 की है उस गाने में, जो शूट भी किया है. इट्स आई एम मच ओल्डर इन दैट पार्ट. तो वो भी मुश्किल था कि यू नो डांस भी करना है लेकिन एक ग्रोन वूमन की तरह करना है. यू नो मैं जैसा पसंद करती शायद वो नहीं कर पाती, तो रिहर्सल के दौरान मैं वो करती थी, लेकिन टेक के टाइम मैं 45 हो जाती थी. फेवरेट सॉन्ग है जिसका नाम है बेकरा. आई थिंक उसका भी ट्रेलर शुरू हो गया है. वो विशाल सर की आवाज़ में ही है लेकिन इतनी खूबसूरती से लिखा गया है उस गाने को. गुलजार साहब ने बहुत ही अच्छे से लिखा है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से गाया है. दैट्स माई फेवरेट सॉन्ग. बेकरा है बेकरा, आंखें बंद कीजिए ना, डूबने लगे हैं हम, सांस लेने दीजिए ना. नॉट जस्ट बिकॉज नसीर जी मेरे ओल्डेस्ट हस्बैंड हैं फिल्म में, बट ऑल्सो बिकॉज ही सच अ ट्रेमेंडस एक्टर. फिल्म शुरू करने से पहले मैंने उनके साथ एक वर्कशॉप भी की थी, क्योंकि मैंने उनके साथ काम एक ही फिल्म में किया है पहला और ज़्यादा हमने इंटरेक्ट नहीं किया था. तो जब मैंने वर्कशॉप किया, इट रियली काइंड ऑफ ईज मी आउट विथ नसीर सर. एंड लेकिन उनके साथ काम करना काफ़ी मुश्किल होता है. जब वो सीन कर रहे होते हैं, उनको देखते रह जाती हूँ मैं, तो मैं भूल जाती थी कि अच्छा मुझे भी कुछ करना है. लेकिन हमारे सीन्स काफ़ी इंटेंस हैं और बहुत अच्छे हैं फिल्म में. एंड तो उनके साथ बराबरी का काम करना वो बहुत मुश्किल था. This time I am going to drink his blood. जी हाँ, जो मेकअप आर्टिस्ट आए थे वो ड्रैग स्टूडियो से आए हैं, जिन्होंने बेंजामिन बटन की है, जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आल्सो दे डिड. सो दे हैव डन अ लॉट ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप. तो हम लोगों ने तो उनकी ज़िंदगी ख़राब ही कर दी थी, क्योंकि 2 बजे का कॉल टाइम हुआ करता था रात को. तो मैं अबाउट 7 बजे सोती थी शाम को, एंड देन 1:30 बजे उठना होता था हमारा, और 2 बजे तक मेकअप चेयर में बैठ के 5 घंटे मेकअप करवाती थी, फिर 7 o'clock शूटिंग. तो वो बेचारे थोड़े ज़ॉम्बी टाइप हो गए थे जाने के टाइम, लेकिन आई थिंक दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन द फिल्म.